संपूर्ण जिले में जिला प्रशासन द्वारा जीवनावश्यक वस्तु की दुकानें छोड़कर सभी दुकानों पर कड़ी पाबंदी लगाई दी गई, किंतु जिला प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर विजिलेंट व्यापार संकुल परिसर में पिछले कुछ दिनों से हर रोज दुकानें दुकानदारों द्वारा खोली जा रही थी। कड़े निर्बंध लगाए जाने के पश्चात भी यह दुकानदार बाज नहीं आ रहे थे, जिसमें दुकानें शुरू होने की जानकारी मिलते ही तहसीलदार संतोष काकड़े ने रविवार की सुबह परिसर की 3 दुकानों पर कार्रवाई कर प्रत्येक दुकान को 50,000 रुपए का जुर्माना ठोका। लॉकडाउन शुरू होने के पश्चात भी विजिलेंट के कुछ दुकानदार प्रशासन की आंख में धूल झोंक रहे थे। जुर्माना नहीं भरने पर तीनों दुकानदारों को सील करने के भी आदेश तहसीलदार संतोष काकड़े ने दिए। इस कार्रवाई में नांदगांवपेट पुलिस स्टेशन के थानेदार अनिल कुरलकर, मंडल अधिकारी विशाला ढोटे, पटवारी रूपेश पाठक, सुशील भगत, शेगावकर वानखड़े, मंगेश सोलंके, ग्राम विकास अधिकारी जयश्री गजबे, ग्राम पंचायत कर्मचारी राहुल का समावेश था। इस समय जिले में 15 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू करते हुए कड़े प्रतिबंधात्मक नियम जारी किए गए, जिसमें से कुछ बदलाव करते हुए जिला प्रशासन द्वारा रविवार की शाम शुद्धि पत्रक जारी किया गया, जिसके तहत लॉकडाउन काल के दौरान सभी दूध डेरिया को रोजाना सुबह 7 से 11 बजे तक 4 घंटे के लिए खुली रहने की अनुमति दी गई। इस दौरान दूध संकलन तथा दूध व दुग्धजन्य पदार्थों की बिक्री का काम किया जा सकेगा और लोग दूध डेयरियों पर जाकर अपनी जरूरत का सामान खरीद सकेंगे। ऐसा अपर जिला दंडाधिकारी डॉक्टर नितिन व्यवहारे द्वारा जारी किए गए शुद्धि पत्रक में कहा गया। इसके अलावा बैंक तथा संस्था, पोस्ट ऑफिस तथा स्टॉक मार्केट से संबंधित सेवाओं को केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशानुसार तय किए गए समय अनुसार अपने अंतर्गत कामकाज के लिए खुले रहने की अनुमति दी गई। साथ ही ग्राहकों को ऑनलाइन सेवा देने का आदेश दिया।